नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, उनका हम पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम चर्चा करेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। दोस्तों, रेलवे संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं, बात करेंगे जो रिजल्ट से संबंधित और आंसर की संबंधित आपकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो आरआरबी ग्रुप डी की उत्तर तारीख 11 जनवरी तक जारी की जाएगी, ये ऑफिशियली न्यूज है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों यहां तक। और यहां देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी की उत्तर कुंजी है, 11 जनवरी 2019 तक जारी कर दी जाएगी। आपत्ति दर्जी ऑनलाइन का विंडो 17 जनवरी से शुरू लेगा और 19 तक, और इसके आधार पर जो भी उपलब्ध है वो अधिकारी अंगराज मोहन के द्वारा बताया गया है, क्योंकि जो रेल मंत्री है उनके स्थान पर अंगराज मोहन आ चुके हैं, नए जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी बात करेंगे। और दोस्तों, आरआरबी के अधिकारियों के अधिकारी अंगराज मोहन ने कहा कि ग्रुप डी परीक्षाओं के परिणाम फरवरी में घोषित कर दिए जाएंगे और रेलवे ग्रुप डी की उत्तरकांक्षी 11 जनवरी से 2000 तक आपको, और आपत्तियां हैं वो 17 जनवरी से आपसे ली जाएगी, और उसके बाद में आप कर सकते। ग्रुप डी के ये कुल विद्यार्थी 1.89 करोड़ अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए, जो 17 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आयोजित हुई है। ये न्यूज है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही जो हमारे जो मंत्री चेंज हुए उनके द्वारा ये सूचना दी गई रेलवे की, बहुत बड़ी जो न्यूज आने वाली है मैं आप तक पहुँचाई। थोड़ी विचार से लाइक लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सुझाव जरूर दें दोस्तों, और अपने लाइक और शेयर करें सुझाव जरूर। धन्यवाद, नए लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।